दशमी के दिन श्री पूर्व आज मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों ने दैनिक राजभवन ग्रामीण लखनऊ का निरीक्षण किया और कल होने वाले रावण दहन को सुरक्षित ढंग से सम्पन्न कराने के दिशा निर्देश जारी किए। दिवस के बाद इस बार मुरादाबाद लाइन पर स्थित रामलीला मैदान में रावण दहन होना है और इसके पूर्व एक परम्परागत मेले का आयोजन भी किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम को सुरक्षा और शांति के माहौल से बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। किसी भी घटना और दुर्घटना से निपटने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। इन सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम सिटी भी रामलीला ग्राउंड पहुँच गए और सभी तैयारियों को देखते हुए रामलीला कमेटी से एक बात की और प्रशासनिक अधिकारी को भी दिशा निर्देश दिए। करने में दिक्कत आती है तो सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी ड्यूटी का टाइम है उसमें टाइम से आ जाएंगे। दूसरा, जो पुलिस कर्मी यहाँ आए वो अपने वाहनों से इस जगह को ब्लॉक ना करें। आते समय कई बार कोई चार पहिए से चला रहा है, कोई दो पहिए से आ रहा है, तो एक गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उसी मार्ग पर अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं जिस मार्ग पर आयोजन होता है। तो एसपी ट्रैफिक कार्ड को समझ लीजिएगा, जो पुलिसकर्मी ड्यूटी के लिए आ रहे हैं उनकी गाड़ी को खड़ी करने की एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। फिर लास्ट मोमेंट हम कहते हैं ये गाड़ी किसकी हटाओ, ये कोई कहता दरोगा जी की है, फिर दरोगा जी कौन है ढूंढा जा रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है। तो आप लोग तो जिम्मेदारी से उस समय व्यवहार कीजिएगा और अपनी गाड़ियों पर जो जगह है कम से कम आयोजन के मुख्य मार्ग में कहीं भी ये गाड़ियां पार्क की होगी। जैसा आप अवगत हैं कि रामलीला के त्योहार में रावण दहन विभिन्न स्थानों पर होता है। मुरादाबाद में सबसे बड़ा रावण दहन का कार्यक्रम इसी ग्राउंड में होता है। हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है। एक दो मजिस्ट्रेट नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनको सूचित विलंब से हुआ और वो यहीं बिलारी में और दूर पर हैं। तो ये संयुक्त ड्यूटी है, जैसा कि एसपी सिटी साहब ने डिटेल में बताया। आप इसको देख लीजिए, भीड़ बहुत होती है उसमें और जब रावण दहन हो जाता है तो सबसे बड़ी समस्या आती है उसके बाद उसके जो अवशेष बचते हैं उनको लेने के लिए भीड़ टूट पड़ती है।